गाइस हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो अभी कितने बजे? 7 बजे हुए हैं। तो अभी मैं शाम को पैकिंग कर रही हूँ, उसके बाद मुझे फिर थोड़ा मार्केट वगैरह जाना है। थोड़ी जो मतलब थोड़ा जो ट्रैवलिंग में जो जो सामान वामान चाहिए वो खरीद के लेके आना है। तो मैं पहले पैकिंग कर लेती हूँ। तो पैकिंग, ये रहा बैग और यहाँ पे कपड़े वगैरह हैं। मैं फटाफट से पैकिंग करती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को फटाफट से। तो पैक कर लेते हैं, यही है। तो सबसे पहले मैं रखती हूँ टॉवल, क्योंकि बच्चों के साथ हमेशा टॉवल चाहिए। तो मैं फटाफट से कपड़े रख लेती हूँ। शूज रखना एक उसमें, और ये रात के लिए नाइट सूट है, मैंने जस्ट अभी धोए थे, तो जस्ट सूट ही रहे। ये टॉवल वगैरह मैंने सबसे नीचे रख दिया है, सुबह टॉवल, क्योंकि मैंने कपड़े रख दिए हैं। और ये है नाइट के लिए हैं चेंज वाले कपड़े, और ये है टी शर्ट ऊपर ही रख लेते हैं अपना है। और इसमें है सैंडल वगैरह, क्योंकि चाहिए होते हैं। और मेरा सॉक्स और इसके ऊपर देख लेती हूँ। अच्छा, और ये है, ये इम्पोर्टेंट चाहिए होते हैं। और इसमें मैंने कुछ कॉस्मेटिक और ऐसा सामान रखा है, अभी रखा नहीं है पूरा, क्योंकि अभी मुझे लेके आना है। अभी मैं मार्केट से लेके आऊँगी और फिर रखूँगी। तो मेरी आधी पैकिंग तो हो गई है, और आधी पैकिंग में अभी थोड़ी देर में करूँगी जब तक मैं इसे लॉक कर लेती हूँ। ये मैंने इम्पोर्टेंट चीज रख ली है। और देखो, ये रहा मेरा बैग, हो गया है पैक। तो गाइस घूम के आते हैं, फिर आपको बताएंगे हम कहाँ। तो मैं मार्केट से जो जो मुझे सामान लेके आना था वो मैं लेके आ गई हूँ। और क्या कहते हैं, अब मैं फटक से खा ली सब्जी बनाती। तो आज मैं बना रही हूँ अंडा कढ़ी। और निवी क्या कह रही हूँ बेटा? ये देखो, निवी भी कुछ कह रही है, बोलो। ये निवी का डायपर भी आ गया है। और अब मैं फटक से खाना बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको खाना बनाने के बाद। अभी देखूंगी ये इसमें निवी के डायपर वगैरह कुछ देखने अभी क्या रखना है। तो सामान रखा, और अभी याद आया कि एक बेडशीट रख लेती हूँ, इमरजेंसी पड़ जाती है। तो एक बेडशीट रख लेती हूँ मैं इसमें, मैंने बेडशीट रख लिया। और ये देखो, एक मेरा ही छोटा सा कैरी बैग, इसमें मैं ये सब कुछ रख लेती हूँ, ब्रश वगैरह। जहाँ तक आटा डाल दे रही है, पोटी कर रही है। ये नहीं छोड़ो बेटा। तो ये हमारी सारी अब पूरी फाइनली पूरी पैकिंग हो गई है छोटा मोटा, और इसमें मैंने ये सब कुछ। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, सुबह के अभी 3 बज रहे हैं और हम उठ चुके हैं, क्योंकि हमने अभी 3:30 बजे यहाँ पे से निकलना है। तो निवी के पापा नहाने के लिए गए हैं, जब तक मैं फटाफट से कॉफ़ी बना लेती हूँ। तो ये बन गई मेरी कॉफी। ये देखो, हमारा छुटकुन भी सुबह के 3 बजे उठ गया है, ये इतनी जल्दी कूद गया। और है ये रहे निवी के पापा, देखो फटाफट से तैयार हुए। ये निवी का पार्ले बिस्किट, और मैंने कॉफ़ी बना दी है, बस कॉफ़ी पीने की दे दी है। और पापा, और कैब भी बुक हो चुकी है, कैब बुक होने वाली है। बस कॉफ़ी पी के निवी के पापा भी निकलेंगे, और मेरा ये छोटा सा कुत्ता नशपाच हो जाता है हमारे साथ साथ। एक लगा रही।
गाइस बैग बाहर रख लिया, ये भी रख लिया है। और ये है निवी के पापा और जाने वाले हैं। वो नीचे हमारी कैब आ चुकी है और बस निवे के पापा जा ही रहे नीचे। बाय। ये चली गई पापा की गाड़ी। तो गाइस निवी के पापा जस्ट अभी चले गए हैं और अभी 3:30 हो रहा है और 3:30 हो रहा है, तो मैं और निवी सो जाते हैं। ठीक है निवी, निनू कर लोगी ना? ये भी हमारे साथ जल्दी उठ गई थी बेचारी, तो इसको हम निनू करा देते हैं। तो फिर उठ के तो निवी सुबह 7 या 8 बजे उठती है, जब तक निवी के पापा पहुँच चुके होंगे। फिर देखते हैं कि निवी के पापा कहाँ पे पहुँच गए, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब तक मैं निवी को सुला देती हूँ और मैं भी सो जाती हूँ। तो पता है सुबह हम फिर से 3:30-4 बजे सो गए थे और फिर सुबह फिर उठ ही गए थे, टाइम से उठ गए थे। तो फटाफट सारा काम हो गया और फटाफट से घर का सारा काम कर लिया था, और क्योंकि निवी सोई हुई थी ना, तो निवी सोई थी तो फटाफट से घर का सारा काम कर लिया था। और निवी के पापा भी पहुँच गए होंगे क्योंकि 8 बजे उन्हें पहुँचना था, तो 8 बजे पहुँच गए होंगे। अभी मैंने कॉल नहीं किया, तो अभी मेरे पास मैंने फटाफट, क्योंकि घर का काम भी ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने इसलिए सोचा कि अभी उन्हें आराम से फ़ोन कर लूँगी, क्योंकि जस्ट पहुँचे भी होंगे तो कॉल रिसीव करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अभी मैं थोड़ी देर में या 1 घंटे या 10-15-20 मिनट में कॉल करूँगी और फिर देखते हैं कहाँ पे तक पहुँचे हैं। और अब मैं और निवी फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो आज ब्रेकफास्ट में मैंने शॉर्ट में ही बनाया, रोटी बनाई है और आलू प्याज और टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। तो निवी को बहुत अच्छी लगती है आलू प्याज टमाटर की सब्ज़ी, तो हम अब फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अब हम शुरू करें अपना ब्रेकफास्ट। तो देखो मेरे ब्रेकफास्ट में क्या है, ये है आलू प्याज टमाटर की सब्जी, यहाँ पे 2 रोटी और ये है मूली। और निवी भी बैठ गई है ब्रेकफास्ट करने के लिए। निवी खाना खाओगी है? आपको अच्छी लगती है ना आलू प्याज ये टमाटर की सब्जी? हाँ, मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है ना। इसको ना बहुत अच्छी लगती है। चलो हम लोग अब ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हेलो, हाँ पहुँच गए? अच्छा चलो सही है, टाइम से पहुँच गई। सुबह लेट तो नहीं हुआ था? नहीं ठीक है। और तुम्हारा दोस्त आ गया था टाइम से? ठीक है। और ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया? अच्छा ठीक है। चलो हाँ, तुम अपना काम करो और जब फ्री हो जाओगे तो कॉल कर लो ना या फिर मैसेज वगैरह जो भी करोगे कर लेना। हाँ अंदर खेल रही है। हाँ नहीं तो सुबह उठ के पापा क्या? ठीक है ओके। तो निवी के पापा का भी फ़ोन आ गया है, वो जस्ट पहुँच ही गए हैं। और अभी क्योंकि पहुँचने के बाद सीधे काम हो जाता है, तो वो भी अपने काम में बिजी हैं, तो अभी थोड़ी देर में फिर आ जाएगा कॉल जब फ्री हो जाएंगे। निवी खेल रही है, ये देखो निवी ये रही खेल रही है उसके साथ। तो और लैंडिंग के दौरान कैबिन के बंद या नहीं की जाएगी।
गाड़ी में जो स्टिकर लगा हुआ है नेता का, टीएमसी के नेता का, यहाँ जरा से गलती करेंगे पुलिस केस देगा, जरा से गलती। देखे रोड तो गाइस दिन के बज के हैं 2 और हम लोगों ने खाना वगैरह सब खा लिया। तो खाना वैसे तो हमने अभी ब्रेकफास्ट अभी किया था, 10 बजे किया था, उसके बाद थोड़ा सा हल्की सी खिचड़ी वगैरह बनाई थी, थोड़ा सा निवी को भी खिलाया। तो पता है गाइस कल रात के 12 बजे सोए थे और सुबह 3 बजे उठ गए थे, तो और फिर दोबारा 5 बजे सोए थे। उसके बाद ना सर में बहुत सारी दर्द सी हो रही है और ये निवी भी हमारे साथ उठ गई थी ना, तो ये एक बार सो के उठ गई है, अभी मेरे साथ बैठी है। तो हम सोच रहे थे कि अब थोड़ी देर में सो जाते हैं। मौसम भी आज थोड़ा ठीक है, मतलब गर्मी तो हो रही है लेकिन और दिन से थोड़ी बेटर है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।